खबर है हिसार की, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हिसार के हवाई अड्डे से पहली दफा उड़ान भरने के बाद चंडीगढ़ से वापस लौटे स्थानीय विधायक कमल गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर मीडिया से अपने अनुभव साझा किए। डॉक्टर गुप्ता जिले सचिवालय में स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि लगभग एक घंटे का समय एक तरफ की यात्रा में लगा और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल काफी खुश नजर आए। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि इस हवाई यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हिसार के विकास को लेकर काफी सारे बातें हुई। इस यात्रा में स्पाइसजेट के एक अधिकारी के अलावा हिसार लोकसभा से स्थानीय सांसद विजेंद्र सिंह भी मौजूद थे। डॉक्टर कमल गुप्ता ने जानकारी दी कि अब से 7 सीटर स्पाइसजेट के विमान में नियमित रूप से 2 बार चंडीगढ़ तक की यात्रा की जा सकती है, जिसमें 2/3 खर्चा राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार वहन कर रही है। कमल गुप्ता ने बताया कि शीघ्र ही अन्य स्थानों पर भी हवाई यात्रा शुरू कर दी जाएगी और माननीय मनोहर लाल जी हिसार में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सपना देख रहे थे, यह उसकी नींव साबित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एक पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी यहां शुरू किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के युवाओं और युवतियों को प्राथमिकता दी जाएगी और फीस में भी छूट दी जाएगी। स्थानीय विधायक कमल गुप्ता ने यह भी दावा किया कि जल्द ही 7 सीटर विमान की जगह एक बड़े विमान का प्रबंध स्पाइसजेट करने जा रही है, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक हवाई यात्रा का लाभ मिल सके। जी सर, आज जो पहला विमान उड़ा है हिसार एयरपोर्ट से, आप भी उसमें यात्रा करके आए, किस तरीके का अनुभव रहा और कितना आने और जाने में समय लगा? देखिए, ये बड़े हिसार वासियों के लिए देश की आज़ादी के बाद और हरियाणा बनने के बाद हिसार वासियों के लिए और हरियाणा वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि एक बड़ा मील का पत्थर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका सपना हमने 5 साल पहले लिया, उसका प्रथम चरण पिछले 15 अगस्त को लाइसेंस्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और आज यहाँ से फ्लाइट को हरी झंडी देकर और उसमें जाने का और उनके साथ मुझे भी जाने का मौका मिला और हिसार के जो लोकप्रिय सांसद हैं चौधरी विजेंद्र सिंह जी, उनको भी जाने का मौका मिला, तो ये यात्रा बड़ी अच्छी थी। और यात्रा के अलावा जो सपने को साकार होना और हिसार वासियों के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होना, ये एक बहुत अच्छी बात है और इससे हमें इस बात पर विश्वास बढ़ गया कि जो हमारा एक सपना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का था वो पूरा होगा। उसका पहला चरण पूरा हुआ, दूसरे चरण में 10,000 की पट्टी, नाइट लैंडिंग और FTO फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑफिसर्स, इस तरह के 100 बच्चों की ट्रेनिंग हम शुरू करेंगे 1 साल की, जिसमें 10% हरियाणा के बच्चे होंगे और 90% को जो खर्चा होगा वो 50% हरियाणा सरकार करेगी। तो इस तरह के अनेक MRO, कार्गो, ये सब काम दूसरे फेज में शुरू होंगे और आज मैं इस फ्लाइट से चंडीगढ़ गया और मुझे वापसी आने का भी मौका मिला और मेरे साथ 5 अन्य बंधु भी साथ में आए, फ्लाइट फुल थी, तो हम सब ने बड़ा इसको गौरव लगा, अच्छा लगा। आने और जाने में कितना समय? लगभग 1 घंटा जाने में लगा और 1 ही घंटा आने में लगा। मुख्यमंत्री जी का कैसा अनुभव? बहुत बढ़िया अनुभव। 1 घंटा जो उनके साथ हम बैठ कर गए, तो उस समय भी कि किस तरह से ये एयरपोर्ट और जल्दी डेवलप हो, अच्छी तरह डेवलप हो, यही चर्चा, क्योंकि हमारे साथ स्पाइस जेट के जो CPO चीफ प्रोडक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर सरदार मनजीव सिंह जी थे, तो उनके साथ भी इसी बात पे चर्चा होती रही, चौधरी विजेंद्र सिंह जी के साथ भी चर्चा होती रही कि किस तरह से हम जल्दी से जल्दी दूसरा चरण भी पूरा करेंगे और तीसरा चरण भी इस हवाई अड्डे का पूरा करेंगे। नियमित उड़ान की बात की गई है कि दिन में 2 फ्लाइट चंडीगढ़ के लिए उड़ेंगी, क्या कल से शुरू हो जाएंगी? अभी हाँ, कल से ही शुरू हो जाएंगी, ये जो आज भी इनफैक्ट आज ही शुरू हो गई, 1 उड़ान गई, 1 उड़ान आई और अब दूसरी उड़ान शाम को 4 बजे जाएगी और 5:30 बजे वहाँ से वापिस आएगी। काफ़ी सारे रूट गिनवाए गए थे, बाकी के जो रूट हैं उस पर कब तक अनुमान लगाया? देखिए, अभी 2 विमान और आने वाले हैं, वो आने के बाद ये जो 7 सीटर, इसको अगर हम पैसेंजर्स की बात करें तो ये 6 सीटर है, तो कुछ दिनों के बाद 18 सीटर हमारे पास आ जाएगा और आस्ता आस्ता, चाहे वो जम्मू की बात हो, चाहे वो जयपुर की बात हो, देहरादून की बात हो, दिल्ली की बात हो, वहाँ की उड़ानें भी उड़ाई जाएंगी।
और इसका किराया भी बड़ा थोड़ा है, किराया वैसे तो 4,500 रुपये है, लेकिन 1,500 रुपये जो वो भारत सरकार देगी, 1,500 रुपये हरियाणा सरकार देगी, ये 1,673 रुपये की इसकी टिकट बनेगी। और मेरी पूरी जनता से और जो सक्षम लोग हैं उनसे ये अपील है कि इस प्रोजेक्ट को वायबल बनाने में, आप सब छायाकार बंधुओं से, पत्रकार बंधुओं से भी ये अपील है कि हमें इस प्रोजेक्ट को, ये शिशु अवस्था में है, जिस प्रकार हम शिशु को चलाने में उसका हाथ पकड़कर उसकी मदद करते हैं, तो ये जो एयरपोर्ट है ये अभी शिशु अवस्था में है, इसको हमें सहायता करके और इसको वायबल प्रोजेक्ट बनाकर इसको हम सफल करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।